अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि बर्ड ख़रीदते वक्त किन बातों को जहन में रखना ज़रूरी है। जब भी आप बर्ड ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे बर्ड एक्टिव है, एक्टिविटी कर रहा है, फूल कर या सुस्त होकर एक जगह ना बैठा हो। उसके बाद बर्ड्स की आइज़ को देखेंगे कि वो ख़राब तो नहीं है, उनकी बाउंड्रीज तो ख़राब नहीं है, उससे पानी या दाने शाने तो नहीं बने हुए। उसके बाद हम देखेंगे बर्ड की नोज़, नोज़ उसकी ड्राई और क्लीन हो, ब्लॉक या फ्लू ना लगा हो उसको। उसके बाद उसकी बीक चेक कर लें, उसकी बीक ज़्यादा बढ़ी हुई ना हो, टूटी हुई ना हो, बल्कि पूरी हो और ठीक सी हो। उसके बाद उसकी चेस्ट को हाथ लगा कर चेक करें कि उसकी चेस्ट ज़्यादा बोनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा चर्बी वाली भी ना हो, मीडियम हो, तो ऐसा बर्ड हेल्दी और एक्टिव रहेगा। दूसरा ये कि बर्ड के जैसे फीदर्स हैं वो भी देख लेंगे, शाइनी है, रफ़ नहीं है, टूटे हुए ना हो, ब्लीड ना कर रहे हों। उसके अलावा उसके पंजे देख लें, उसके पंजे साफ़ सुथरे हों, नाखून ठीक से हों, ज़्यादा बड़े हुए ना हों। ज़्यादा बड़े हुए नाखून कैल्शियम डेफिशिएंसी को शो करते हैं। उसके बाद उसकी वेंट को चेक करें, उसकी वेंट पे गीलापन या गंदगी ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी और ड्राई वेंट हो। ऐसे बर्ड को मोशन अक्सर लगे होते हैं, जो हमें घर आके पता चलता है कि हम बर्ड ख़रीद के लाए हैं, तो उस टाइम हमने सही से देखा नहीं होता। बस कलर्स अच्छे लगे या वैसे बर्ड अच्छा लगा तो ले लेते हैं। तो अक्सर चीज़ें फिर घर में आके देखते हैं, उसको फ्लू लगा हुआ है या उसको मोशन लगे हुए हैं, या इस तरह थोड़ी देर आप बर्ड के पास रुकें, उसको देखें, उसकी एक्टिविटी को, ताकि आप समझ सकें कि बर्ड हेल्दी है, एक्टिव है। उसके बाद आप बर्ड परचेज़ करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।